हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आप लोगों के लिए है या नहीं। तो आई एम सर्चिंग जॉब दीज डेज, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं। पापा नहीं रहे, पापा के साथ में 2 साल से थी, उनकी सेवा कर रही थी, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो अब मुझे जॉब दोबारा से शुरू करनी है। तो मैं नोएडा में गई, वहाँ एक मीडिया कंपनी में इंटरव्यू क्लियर हुआ। तो जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ तो मैं एक पैंतरा खेलती हूँ, मैं वॉशरूम ज़रूर देखती हूँ। तो मैं आफ्टर इंटरव्यू मैं आई आस्क्ड लेडी कैन आई वॉशरूम। आई वॉज शॉक्ड टू सी द वॉशरूम, सिर्फ 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का वॉशरूम था। उसी में उन्होंने सिटिंग सीट, वेस्टर्न सीट, और साइड में उन्होंने जेंट्स का वॉशरूम बना रखा। अल्लाह, अगर कोई नीचे सामने करके बैठेगा तो राइट हैंड साइड में उन्होंने जेंट्स का वॉशरूम बना रखा, जो उनका होता है स्टैंडिंग वाला। सच अ अनहाइजीनिक वे ऑफ क्रिएटिंग एनी वॉशरूम फॉर गर्ल्स। प्लीज़ यार, मैं सबसे पहले प्रेफरेंस ना वॉशरूम्स को देती हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर फीमेल्स को कोई भी टॉयलेट और से इन्फेक्शन होता है ना, तो वो हमारी ज़िंदगी भर की बीमारी लग जाती है। प्लीज़ डोंट क्रिएट सच वॉशरूम्स ऑफिस में। सो बेसिकली आई एम अ गर्ल जिसने हमेशा BPO में ही जॉब करी। मेरी इनिशियल जो स्टार्टिंग थी 2014 में, मेरी थी एयरटेल गुड़गांव। एंड ट्रस्ट मी, BPOs वाले इतने सही हैं ना, मतलब वो गर्ल्स एंड बॉयज़ के वॉशरूम्स अलग ही रखते हैं। मुझे इनका ये जो एक थॉट प्रोसेस, और सही भी है, गर्ल्स और बॉयज़ का वॉशरूम अलग ही रहना चाहिए। और अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस भी है और आप वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ को कंबाइन स्टाफ रख रहे हैं, देन आई डोंट प्रेफर हैविंग जॉइंट कंबाइंड वॉशरूम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। गर्ल्स को बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, वॉशरूम हाइजीन होना चाहिए यार। हम लोगों को पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती हैं, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, हमें स्पेस चाहिए होता है वॉशरूम में। एक छोटा सा 2 फुट का वॉशरूम बना के उसमें ही आपने सीट भी लगा दी और राइट हैंड साइड में आपने जेंट्स का भी वॉशरूम बना दिया। बंदा गर्ल अगर सामने बैठती तो राइट हैंड साइड में एक जेंट्स का वॉशरूम बना हुआ है, स्मेल आ रही है, कितना गंदा सा वे ऑफ क्रिएटिंग एनी वॉशरूम। आप एम्प्लॉयज़ को कूड़ा समझ रहे हो क्या? आपने एहसान कर दिया हमें जॉब दे के? प्लीज़, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत ओपनिंग्स हैं, और रिलायबल कैंडिडेट को जॉब अच्छी मिल जाएगी, अच्छे। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी यार, ठीक है जॉब की रिक्वायरमेंट है मुझे, मगर मैं बहुत कैपेबल गर्ल, आई कैन डू मल्टीपल टास्क। आप मुझे बोलो कि मोनिका ये करना है, मैं BDM बहुत अच्छी हूँ, मैं सेल्स बहुत अच्छी कर सकती हूँ, मैं मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ, मैं कोई भी BPO में प्रोसेस बहुत जल्दी सीख लेती हूँ, ट्रेनिंग तो दी जाती है ऑन द फ्लोर जाके, 1 महीने की ट्रेनिंग, सब वर्क हैंड्स ऑन सिस्टम करके सब सीख लेते हैं, मगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं अपनी पूरी एनर्जी किसी ऑफिस में दे रही हूँ, आई एम गिविंग होल सोल टू माई दैट वर्किंग प्लेस। आई नीड हाइजीन, अगर मेरी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो मैं बीमार पड़ूंगी, मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, मुझे दवाई करनी पड़ेगी, ऑफिस वाले मेरे को दवाई नहीं देंगे, ऑफिस वाले मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे, ऑफिस वाले मेरा हॉस्पिटल में टेक केयर करने नहीं आएंगे, और शायद कोई और मेरा फ्रेंड भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बिजी होगा। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ स्पेशली, कि गर्ल्स प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ इश्यूज़। अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं इन योर वर्किंग प्लेस, प्लस अगर आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है आपके वर्किंग प्लेस में, कोई एम्प्लॉय से, बॉस से, किसी से भी, जस्ट मेक अ कंप्लेन एंड क्विट दैट प्लेस। डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ इन एनी वेज। तो मैंने क्या करा ना, मैंने इंटरव्यू के टाइम वॉशरूम तो देख लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि अंदर जाके देख माहौल कैसा है, हाउ इज़ दी ऑफिस। तो बेसिकली ऑफिस जो कंपनी है वो मीडिया में है, दे मेक वीडियोज़ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ओके, चलो ठीक है, मैंने ज्वाइन किया, मुझे सिस्टम दिया, पहले किसी और सिस्टम में बिठाया, फिर किसी और सिस्टम में बिठाया, वर्क प्रोफाइल्स दिखाई कंपनी की। लंच टाइम हुआ,
तो जो जो भी था पियोन था, जो भी था ऑफिस का जो टेक केयर करते, मैंने कहा भैया प्लेट और स्पून, तो कहता मैडम प्लेट्स तो नहीं है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं कहा तो स्पून्स, मैडम स्पून्स तो ना सर लोगों के लिए हैं, वो तो उनके खाने के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। अच्छा ठीक है। मतलब एक ऐसी कंपनी जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा जा रहा, और बल्कि सुबह के टाइम में विंटर्स में चाय भी नहीं ऑफर की जा रही है। तो मैंने कहा भैया हम लोग एटलीस्ट इतने लोग हैं, 7-5 लोग तो हैं, सुबह चाय नहीं है? तो कहता नहीं मैडम यहाँ पे सुबह चाय नहीं होती, शाम को ही चाय मिलती है। इनफैक्ट विंटर्स में आप कहीं भी जाएंगे बीपीओ में तो आप कभी भी चाय पी सकते हो, यू कैन टेक 5 मिनट्स ब्रेक एंड यू हैव यू कैन हैव टी। और मैंने जो बाकी भी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज ज्वाइन करती है वहाँ पे भी 3 टाइम चाय मिलती थी, सुबह लंच के बाद और शाम को, और यहाँ मैडम सिर्फ शाम को। सुबह भी जब मैनेजर आई बोलती है कि अगर आपको चाहिए तो कर देंगे सुबह की चाय। मैं अब बताती हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया। मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स गर्ल्स को जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती है यूरिन ब्लैडर से, यूरिन एरिया से। आई रिमेंबर आई हैड अ फ्रेंड इन EXL, सोनाली गोगलिया, शी वंस यूज पब्लिक वॉशरूम इन मेट्रो स्टेशन। उसको बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा था, वो वहाँ गई और उसको वहाँ से क्या ही बीमारी लगी, क्या इशू हुआ, शी स्टार्टिंग हैविंग सम इचिंग और समथिंग, एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट इशू सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मेरे को BPO इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने इतने BPO ज्वाइन करे हैं 2014 से, एयरटेल, ऑनकोर, EXL, DXC एंड सम गुड कंपनीज ऑल्सो। आई वॉज वेरी हैप्पी वर्किंग BPOs एंड बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि वहाँ पे गर्ल्स को बहुत ही ध्यान से रखा जाता है। एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनीज होती हैं ये, वॉशरूम्स अलग होते हैं और सफाई वगैरह सब साफ रहती है, कोई अनहाइजीनिक नहीं रहता है, कैंटीन्स अच्छी रहती हैं, एम्प्लॉयज़ पे ध्यान दिया जाता है सब कुछ। मगर ये प्राइवेट कंपनीज जो होती है ना नोएडा में, एक तो फ्रॉड बहुत है नोएडा में, बहुत छोटी छोटी कंपनी फ्रॉड हैं और ऊपर से इतना चीट करती हैं, ऑफर लेटर्स नहीं देते हैं, सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं। ये मेरा ना सेकेंड टाइम बैड एक्सपीरियंस रहा है इन नोएडा इन अ प्राइवेट कंपनी, और ये कंपनी भी मोदी नगर से उठ के नोएडा में शिफ्ट हुई है। ये हस्बैंड एंड वाइफ कंपनी चलाते हैं, मीडिया कंपनी है इनकी। बेसिकली दे मेक वीडियोस टू प्रमोट स्मॉल स्केल बिजनेस, या जिनके प्राइवेट बिजनेस हैं या जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उनके लिए वो बिजनेस वीडियोज़ बनाते हैं और उनको बना के दे देते हैं, उनका बिजनेस प्रमोट करते हैं बेसिकली वो लोग। पहले भी जब मैंने 2021 में एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करी थी, वो थी एक बनिया था, तो वो मेरठ से आया था और वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बच्चों को हमसे पिच करवाता था जिन्होंने ग्रेजुएशन वो 12th पास कर ली या किसी ने अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में लेना एडमिशन। दैट वॉज ऑल्सो अगेन अ फ्रॉड कंपनी। उसने भी चाय के लिए बड़ी चिक चिक करी कि सुबह चाय बस एक बार आएगी, दोपहर को नहीं आएगी और शाम को नहीं आएगी, और सैलरी तब दूंगा जब तुम टारगेट पूरा कर लोगे, अगर तुम टारगेट पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारी 50% सैलरी में काटूंगा, और वो 50% सैलरी अगर तुम टारगेट नेक्स्ट मंथ में अचीव कर लोगे तो वो 50% सैलरी नेक्स्ट मंथ में दूंगा। और उसने फिर सैलरी भी नहीं दी बहुत लड़कियों को। सो बेसिकली आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये बनाया अवेयरनेस एंड हाइजीनिक इश्यूज इन एनी वर्किंग प्लेस फॉर गर्ल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कंबाइन वॉशरूम्स की वजह से अनजाने में गर्ल्स को यूरिन एरिया में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जो गर्ल्स को नहीं पता होती हैं कि क्यों हो गई हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स, जब कंबाइन वॉशरूम्स रहते हैं जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ये एक जो छोटा सा वीडियो है ये जागरूक करने के लिए ही है गर्ल्स को कि प्लीज़ अगर आप कोई भी वर्किंग प्लेस में हैं, ट्राई टू सर्च एज मच
पॉसिबल जहाँ पे आपके ना टॉयलेट्स डिफरेंट हों, या तो अगर सेम वॉशरूम्स हैं तो जेंट्स का और गर्ल्स का थोड़ा सा डिस्टेंस में बना हो और वॉश बेसन भी हो। अगर आपको अपने आप को मुंह अच्छे से धोना हो, फेस वॉश से धोना हो, आपको स्पेशियस वॉशरूम होना चाहिए। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, जो कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी वहाँ पे स्पेशियस वॉशरूम नहीं था। मुश्किल से एक कदम अंदर रखो और दूसरे कदम से बाहर आओ, दैट्स इट। मतलब ये मेरे साथ जो इशू है ऑफ लीविंग दिस ऑफिस सिर्फ वॉशरूम का ही है, अदरवाइज वर्किंग वॉज गुड। स्टाफ तो धीरे धीरे हम लोग माहौल बन जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, वर्क वॉज ऑल्सो गुड, सब कुछ सही था, आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टाइमिंग्स भी सही थे, 5 वर्किंग डेज थे, 10 to 7 वर्किंग आवर्स था, जाने में और आने में कोई इशू नहीं था, कन्वेंस ईजी था, बसेस अवेलेबल थी। द ओनली प्रॉब्लम वॉज टॉयलेट वॉशरूम। अगर मैं बीमार पड़ गई और मुझे देखने वाला कोई नहीं है, अब आई एम ऑल अलोन, बहुत सारे लोग ऑल अलोन होते हैं, मैं अगर हॉस्पिटल में जाती तो मेरी देखभाल कौन करेगा? ऑफिस वाले नहीं आएंगे मुझे देखने के लिए, और कोई फ्रेंड ही क्यों आएगा? अगर कोई वर्किंग है, कोई कहीं काम पे जा रहा है, किसी का कुछ और मसला है लाइफ का, वो एक बार आपको विजिट कर लेगा, मगर 5-7 दिन आपके साथ हॉस्पिटल में नहीं बैठेगा दिन रात। अगर कोई रिलेटिव भी होगा ना, वो भी पेरेंट्स होते हैं जो बैठ जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं जो दूर होते हैं, वो कहाँ से आएंगे? तो इसलिए बेटर टेक प्रिकॉशंस देन टू गेट सिक इन योर लाइफ। मैं तो बस ये बोलती हूँ, जॉब मुझे अच्छी लगी थी, जॉब प्रोफाइल मेरी अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बस वॉशरूम का इशू था और उसके पीछे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आई विल वेट। और मैं वो भी बोलती हूँ कि भाई, जैसे मैंने भगवान से जॉब मांगी थी, मगर मैंने भगवान से ना ठीक से जॉब नहीं मांगी थी, मैंने कैटेगराइज नहीं करा था अपनी डिमांड भगवान के साथ, तो इस बार मैं भगवान से बोल रही हूँ, भगवान मुझे अच्छी जॉब देना जिसमें सैलरी अच्छी हो, कोई इम्प्लॉयज़ वर्कर्स अच्छे हों, बॉस अच्छे हों, और जहाँ पर मुझे जाने आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, 5 वर्किंग डेज हों, और टॉयलेट गर्ल्स और बॉयज़ का अलग से हो, टिश्यू पेपर्स हों, जहाँ पे लंच में प्लेट्स भी मिलती हों, 3 टाइम चाय मिलती हों, स्पून्स अवेलेबल हों, पियॉन अच्छा हो, सिस्टम अच्छा वर्किंग हो, सनलाइट आए, सब कुछ हो, इसी तरह सब चलता हो, बॉस अच्छे से बात करें, बॉस ग्रीडी ना हो और ईगोइस्टिक ना हो, बॉयज़ इम्प्लॉयज़ की सुने, एडवाइस भी सुने, थोड़ा सा हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सुने, ऐसे मुझे ऑफिस देना भगवान जी इस बार। बस इस बार मेरी सीधी सीधी डायरेक्ट ये भगवान से डिमांड है। अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो यार, क्योंकि ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉयज़ को भी होती हैं, सबको होती हैं, मगर गर्ल्स को ज़्यादातर अनहाइजीनिक वजह से ही इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो बस मेरा ये छोटा सा वीडियो एक जागरूक लाने के लिए है। थैंक यू, टेक केयर।